नगर निगम विभाग में कर्मचारियों का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुंशी प्रेमचंद पार्क में संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति कौशल कुमार शुक्ल के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम से जितना पारिश्रमिक हमें मिलता है उसका आधा भी समय से नहीं मिलता है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अति शीघ्र अगर हमारा वेतन नहीं मिलता है तो हम आंदोलन पर बाध्य होंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में संविदा चालक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष चालक परिचालक संघ सुरेंद्र कुमार पांडे और संरक्षक नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति कौशल कुमार शुक्ल ने कहा, माध्यम से 50% भुगतान पर 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। अब लोग को लेकर के कर्मचारियों ने वहाँ पर हड़ताल कर दिया है और जो लोग धांधली कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच की हो। कर्मचारी समाज का जो एक समूह बंद कर दें तो नगर निगम में हाहाकार मच जाएगा। तो आगे प्रशासनिक स्तर पर कौन सी कार्रवाई हो। मार्च में पिछले बार जो है ये चाहते हैं कि कर्मचारियों का बैंक में खाता खुल जाए, जो पैसा कर्मचारियों को मिलना चाहिए। कुमार पांडे, चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष। हमने भी जो इसके ठेकेदार जफर भाई हैं उनसे भी हम लोग इस शोषण के बारे में हमने भी कहा कि कम से कम इन लोगों को 4-5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। हमने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो बाहरी लोग हैं, मान लीजिए शहर में वो नहीं पा रहे हैं तो मान लीजिए किसी तरह चल रहा है, लेकिन जो बाहर से गाड़ी जाकर चला रहे हैं उनकी खर्चा कैसे चलेगी। और इनकी हकीकत यही है कि सही है कि ये 9,500 रुपये नगर निगम हमारा देता है और ठेकेदार जो है वो 4,500 रुपये लोग देते हैं, वो भी समय से नहीं देते हैं क्योंकि 4-5 महीना बाद लोग कभी 1-2 महीने में पा जाते हैं। तो ये तो भाई शर्मनाक बात है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे जितने परमानेंट ड्राइवर हैं सभी लोग इनका साथ देंगे, आउटसोर्सिंग वाले ड्राइवरों का। कितने का है आउटसोर्सिंग? इस समय 130-135 ड्राइवर हैं। एक स्थिति अब इससे ज़्यादा ख़राब क्या होगी बताइए, जो 5 महीने से तनख्वाह नहीं पा रहा है वो भी जो पा रहा है वो 4,500 रुपये, अब इससे अधिक मैंने क्या तंगी होगी उसकी आर्थिक स्थिति। कौशल कुमार शुक्ल, संरक्षक नगर निगम जाय समन्वय समिति। क्या समस्या है जिसको लेकर आज ये बैठक का आयोजन किया गया है? ये नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आज एक बैठक यहाँ पर आज बुलाई गई है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नगर निगम के द्वारा प्रति कर्मचारी जो ड्राइवर हैं उनको 9,500 रुपये वेतन दिया जाता है, लेकिन उन कर्मचारियों को संबंधित NGO जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से 4,500 रुपये दिया जाता है। 4,500 रुपया प्रत्येक कर्मचारी PF और मतलब उनका SIS काटने के बाद प्रत्येक कर्मचारी 2,500 रुपया ठेकेदार अपने पास रख लेते हैं। तो आज इसी के मतलब ये कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 5-5 महीने व्यतीत हो गए, 6वां महीना चल रहा है, अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते कर्मचारियों के ऊपर काम करने का इतना दबाव बना हुआ है कि कर्मचारी 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इतना ड्यूटी करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद उनको आज 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनके हर परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है और हमारे अधिकारी, हमारे ठेकेदार सब लोग कान में तेल डाल करके चुपचाप बैठे हुए हैं। उसी के खिलाफ आज ये बैठक बुलाई गई है और इसमें हम लोग अपने आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और जो रूपरेखा हमारी तय होगी उसको फिर बाद में आप लोगों को हम बताएंगे।